नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। मैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल से हरशंकर श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ बदायूं आपको लेके चलता हूं बिलसी थाना क्षेत्र के ग्राम भिलौलिया में, जहां सड़क दुर्घटना में घायल होने पर बीएसएफ जवान की हुई मौत। हजारों की संख्या में लोगों ने आकर दी श्रद्धांजलि, जिसकी शहादत में उबला जल सैलाब। सड़क दुर्घटना में घायल बीएसएफ जवान की इलाज के दौरान मौत। आइए देखते हैं बदायूं से हरिशंकर श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। जैसे ही शहीद जवान के पैतृक गांव भिलौलिया थाना क्षेत्र बिलसी में पहुंचा, गांव व परिजनों में कोहराम मच गया। देखते ही देखते हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। बता दें कि बीएसएफ जवान की तैनाती दिल्ली हेडक्वार्टर पर चालक के पद पर थी। चालक मुनेंद्र पाल यादव रविवार की शाम को छुट्टी लेकर कार द्वारा अपने घर बिलौलिया आ रहा था कि रास्ते में घना कोहरा होने की वजह से कार व ट्रक से भीषण टक्कर होने से जवान मुनेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको पुलिस द्वारा जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। बाद में गाजियाबाद को रेफर कर दिया, जहाँ इलाज के दौरान बीती कल रात मौत हो गई। जहां से बीएसएफ जवानों के द्वारा शव को उसके पैतृक गांव लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए अपनी निजी चौपाल पर रखा गया। गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी देने के बाद पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। जवान अपने पीछे अपनी पत्नी अंगूरी देवी, मां कृष्णा देवी व चार बच्चे पूनम 21, वसुधीर 19 और दीक्षा 14 या 12 वर्ष को छोड़कर प्रतीक्षा 12 वर्ष को छोड़कर चले गए। इस मौके पर जिले के अन्य क्षेत्रों से आए लोगों ने जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और थोड़े पीछे हो जाओ भैया।